राजीव रतन गुप्ता को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई है। हत्या की जो वजह बताई जा रही है वो भूमि विवाद मूल कारण बताया जा रहा है। हत्या के जो नामजद प्राथमिकी अभियुक्त हैं संजीव यादव, उनको उसी दिन आलमगंज थाना ने अरेस्ट किया। अजीत कुमार जो कि भूमि के मामले में विवाद चल रहा था उनका राजीव रतन गुप्ता से, उन्होंने एक व्यक्ति है सनी कुमार उसको 2 लाख रुपए की सुपारी दे दी थी कि वो राजीव रतन गुप्ता की हत्या करे। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बीते 8 अक्टूबर को पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी में एक युवक मॉर्निंग वॉक करके घर लौट रहा था। इस दरमियान जो है पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया था, जहां उनके डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। ऐसे में बता दें कि इसको लेकर अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और इस मामले में 4 अपराधियों को धर दबोचा है, यानी गिरफ्तार कर लिया है। उन 4 अपराधियों से पूछताछ लगातार जारी है। ऐसे में आपको बताते चले कि 70 वर्षीय राजीव रतन गुप्ता की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी बीते 8 अक्टूबर को। और ऐसे में मृतक राजीव रतन गुप्ता जो बजरंगपुरी शिव मंदिर के पास रहते थे, उनकी पत्नी आशा कुमारी के लिखित आवेदन पर पुलिस ने आलमगंज थाना कांड संख्या 595/24 के तहत धारा 103(1), 61(2) BNS एवं 27 Arms Act में मामला दर्ज किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर पटना पूर्वे ने सहायक पुलिस अधीक्षक पटना सिटी 1 के तहत नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इस दल ने तकनीकी साक्ष्य और सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि संजीव यादव ने 2 लाख रुपए की सुपारी देकर राजीव रतन गुप्ता की हत्या करवाई थी। एडवांस के रूप में सनी कुमार को 10,000 रुपये दिए गए थे। हत्या के लिए हथियार की व्यवस्था जिम संचालक शिव कुमार ने की थी। घटना के दिन सनी कुमार और धर्मेंद्र कुमार ने राजीव रतन गुप्ता को गोली मारी, जिसकी पहचान घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज से की गई। घटना के बाद सनी और धर्मेंद्र ने हथियार शिव कुमार को वापस कर दिए, जिसने इनकी रोहित कुमार पांडे के पास छिपाने के लिए दिया। पुलिस ने रोहित कुमार पांडे से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया। मास्टरमाइंड संजीत यादव को पहले से ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। गिरफ्तार अपराधियों में सनी कुमार, शिव कुमार, रोहित कुमार पांडे और धर्मेंद्र कुमार शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 1 पिस्टल, 3 मोबाइल फोन और 3,450 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अपराधियों से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस प्रशासन, उनकी बातों को सुनिए। दिनांक 8 अक्टूबर को आलमगंज थाना को सूचना मिली कि सुबह 4:15 बजे बजरंगपुरी के साकिन राजीव रतन गुप्ता को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई है, जब वो सुबह टहलने निकले थे। मौका वारदात पर आलमगंज थाना पुलिस ने पहुंचा और वहां पर ही तकनीकी अनुसंधान आरंभ किया। हत्या का वजह, हत्या की जो वजह बताई जा रही है वो भूमि विवाद मूल कारण बताया जा रहा है। हत्या के जो नामजद प्राथमिकी अभियुक्त हैं संजीत यादव, उनको उसी दिन आलमगंज थाना ने अरेस्ट किया। नगर अधीक्षक पूर्वी के निर्णय के अनुसार एक विशेष छापामारी दल का गठन किया, जो इस केस को उद्भेदन करने में विशेष रूप से कारगर रही है। ये जो तो 4 लोग गिरफ्तार हैं, ये कौन लोग हैं, जिस तरह हत्या की गई? संजीत कुमार जो कि भूमि के मामले में विवाद चल रहा था उनका राजीव रतन गुप्ता से, उन्होंने एक व्यक्ति है सनी कुमार उसको 2 लाख रुपए की सुपारी दे दी थी कि वो राजीव रतन गुप्ता की हत्या करे। सनी कुमार को एडवांस के रूप में 10,000 रुपये भी दिए गए थे। सनी कुमार को इस कार्य में प्रयुक्त होने वाला जो हथियार है वो उनके पहचान के एक जिम ट्रेनर हैं, जिनका की नाम है शिव कुमार, वो भी साकिन आलमगंज थाना के ही हैं। शिव कुमार के माध्यम से उन्होंने एक हथियार प्राप्त किया और उस दिन सुबह धर्मेंद्र कुमार जो कि उनके लाइनर हैं और सहयोगी हैं, उनके साथ जाकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। घटना कारित होने के बाद उन्होंने पुनः शिव कुमार को हथियार वापस लौटाया और शिव कुमार ने हथियार छिपाने के लिए अपने सहयोगी रोहित पांडे को दिया। पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का इस्तेमाल करते हुए इस केस को क्रैक किया है और आज 4 लोग गिरफ्त में हैं। प्राथमिकी अभियुक्त जो हैं संजीत कुमार, वो ऑलरेडी जेल में फॉरवर्ड कर दिए जा चुके हैं। क्या क्या कहाँ से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है?
इन चारों की गिरफ्तारी थाना आलमगंज क्षेत्र से ही की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन एवं टावर लोकेशन का अवलोकन किया और उसके बाद इन चारों के बारे में जो इंटेलिजेंस है वो संकलित किया और आज सुबह उन चारों को छापेमारी करके ये सफलता हासिल की। इसमें से जो कुछ अपराधी हैं वो पहले भी जेल अलग अलग कांडों में जा चुके हैं। अभी तक उनका आपराधिक इतिहास दो लोगों का हमें प्राप्त हुआ है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये दूसरे थाना क्षेत्रों में कुछ घटनाएं कारित करते रहे हैं। क्या क्या बरामद हुआ है? इस कांड में प्रयुक्त किए गए हथियार को बरामद किया गया है, जो कि शिव कुमार ने काफ़ी पहले से अपने पास रखा हुआ था और इस घटना को कारित करने के लिए उसने सनी कुमार को दिया था। इसमें और भी शामिल है क्या? अभी तक जो हमारा अनुसंधान है वो अग्रतर जारी है और अभी की इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये चारों लोग हैं। आगे जो जो डिटेल्स आएंगे उसमें और भी अरेस्टिंग्स अगर होंगी तो आपको सूचना दी जाएगी। इन लोगों के मोबाइल फ़ोन्स भी हमने सीज़ किए हैं, जिनके आधार पर हम ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या और भी कोई घटना के तार इससे जुड़े हुए हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि जो है संजीत यादव के द्वारा जो है सुपारी देकर राजीव रतन की हत्या करवाई गई थी और ऐसे में चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।